नमस्कार दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम अर्ली मिडवल पढ़ने वाले हैं, उत्तर मध्यकालीन इतिहास। इसमें हम पढ़ेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिपार्टाइट, यानी कि थ्री पार्टी से स्ट्रगल के बारे में पढ़ेंगे। इसका नाम आपने सुना होगा कि किन किन का स्ट्रगल चल रहा होता है 18th सेंचुरी में कन्नौज के लिए। तो क्यों इन्होंने कन्नौज को ही चुना? तो कन्नौज इसलिए चुना क्योंकि कन्नौज से वो नॉर्थ में भी अपना किंगडम बना सकते थे और उसके ऊपर रूल कर सकते थे, और साउथ में भी वो नज़र रख सकते थे, मध्य प्रदेश का भी रीजन में वो नज़र रख सकते थे, और साथ ही साथ वो बिहार वाले और बंगाल वाले रीजन में भी नज़र रख सकते थे। इसलिए कन्नौज को चूज़ किया, और कन्नौज जो है बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया था, इसलिए इसको चूज़ किया। ठीक, इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल जो है त्रिपक्षीय संघर्ष है क्या। तो देखिए, प्रतिहारा, राष्ट्रकूता, पाला, ठीक, ये तीनों के तीनों डायनेस्टी लगी हुई थी कि हमें कन्नौज का अपने हाथ में सत्ता चाहिए। तो ये देखिए, जो प्रतिहारास था, तो प्रतिहारास कहाँ का रूलर था? तो प्रतिहारा नॉर्थ में रूल कर रहे थे, सेंट्रल और नॉर्थ में। राष्ट्रकूता जो होते हैं ये डेक्कन के रीजन में रूल करते हैं, तो ये चाहते हैं कि हमें कन्नौज मिल जाए, ये भी चाहते हैं। और जो पालास है ये बिहार और बंगाल वाला जो रीजन है, यानी कि ईस्टर्न इंडिया का जो रीजन है, वहाँ ईस्ट इंडिया में ये रूल कर रहे होते हैं। तो इन्हीं तीनों को कहा जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष, यानी कि थ्री पार्टी स्ट्रगल जिसको कहा जाता है। तो आपने इसके बारे में नाम सुना होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछता है ये क्वेश्चन, तीनों का नाम देखें। तो इसमें हम सबसे पहले हम बात करेंगे गुर्जर प्रतिहारा की बात करेंगे, फिर पाला डायनेस्टी की बात करेंगे, फिर राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की बात करेंगे। तो गुर्जर प्रतिहारा में देखिए, पहले जो फाउंडर आते हैं इनके, देखिए ये क्रोनोलॉजी है, इनका कालक्रम है किंग आने का। नागभट्ट वन, फिर वस्त्र राजा आते हैं, फिर नागभट्ट सेकेंड आते हैं, फिर भोजल मिहिर भोज आते हैं, राइट, फिर उसके बाद महेंद्रपाल महिपाल आते हैं, और लास्ट में जो है राज्यपाल यशपाल के बाद डिक्लाइन हो जाता है। राज्यपाल जैसे आते हैं, यशपाल के बाद मोहम्मद गजनी जो है इंडिया के ऊपर अटैक करता है और ख़त्म हो जाता सब कुछ। ठीक, तो हम पढ़ते हैं गुर्जर प्रतिहारा के बारे में। देखिए, गुर्जर प्रतिहारा जो होते हैं, इनमें नागभट्ट वन जो होते हैं ये फाउंडर हैं किसका? गुर्जर प्रतिहारा किंगडम के। और इन्होंने कई बार अरब इन्वेंजन से इंडिया को बचाया, जैसे कि इन्होंने जुनैद और तामीन ऑफ अरब, ये जो दोनों जो थे ये कहाँ के थे? तो ये काबुल के साइड जो एरिया है वहाँ के गवर्नर बन गए थे, तो इनको जो है दोनों को डिफीट किया, आगे नहीं आने दिया इंडिया के अंदर। उसके बाद इनका दूसरा जो किंग आते हैं गुर्जर प्रतिहारा में, वो है नागभट्ट। इन्होंने जो है धर्मपाला और को डिफीट करके कन्नौज को अपना लिया। ठीक, इन्होंने यहाँ पर धर्मपाल को डिफीट किया, कन्नौज को अपने हाथ में कर लिया। ग्वालियर इंस्क्रिप्शन में मिहिर भोज के बारे में पता चलता है। तो आगे मिहिर भोज आते हैं, किस ग्वालियर इंस्क्रिप्शन में आप पढ़ सकते हैं कि मिहिर भोज कौन थे। तो भोज के बारे में आप पढ़ते हैं, थर्ड नंबर जो रूलर आते हैं गुर्जर प्रतिहारा में वो भोज होते हैं। देखिए, तो मिहिर भोज के बारे में कॉपर प्लेट से पता चलता है, दौलतपुर कॉपर प्लेट से पता चलता है। इन्होंने नारायण पाल को भी हराया जो कि पाला डायनेस्टी के राजा रहेंगे। ठीक, उसके बाद जो है इन्होंने राष्ट्रकूट का एक किंग थे फेमस की कृष्ण थर्ड को भी हराया। कहाँ पर? नर्मदा नदी घाटी में हराया। कहाँ पर? जो कि मालवा वाला रीजन है, मांडू और मालवा वाला रीजन, उसको ऑक्यूपाइड कर लिया इन्होंने। फिर ये जो थे ये वैष्णव भक्ति करते थे, विष्णु भगवान के उपासक थे। इन्होंने अपनी कैपिटल जो है कन्नौज को बनाया। उस समय कन्नौज का नाम था, उस कन्नौज में एक छोटी सी जगह थी, उसकी नाम थी महोदया उसका नाम था। देखिए, अरब ने मिहिर भोज को अदर टाइटल्स दिया था, नाम दिया था, तो क्या था? सुलेमान ने इन्हें किंग जूहर कहा, ठीक, और अल मसूदी ने इन्हें किंग भौरा कहा। इन दोनों का याद रखिए कि मिहिर भोज को ही, और भोज को ही किंग जूहर और किंग भौरा भी कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहारा का डिक्लाइन क्यों हुआ? तो मोहम्मद गजनी ने कई बार इंडिया के ऊपर हमला किया, उसमें से 1810-18 में राज्यपाला जो इनके लास्ट रूलर हुए उनको हरा दिया। जब हम आर्ट एंड कल्चर पे पढ़ेंगे तो हम सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा पढ़ेंगे। जैसे कि इन्होंने पेट्रोनाइज किया था राजशेखरा, एक कवि थे इनके कोर्ट के अंदर मिहिर भोज के वहाँ पर। तो वो राजशेखर ने क्या लिखा है? तो राजशेखर ने संस्कृत में लिखा काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा में क्या होता है कि ये हाउ टू राइट पोएम को कैसे लिखे, कैसे ग्रामेटिकली करेक्ट पोएम लिखे,
महत्वपूर्ण काव्य मीमांसा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि राजशेखर ने कौन सा बुक लिखा है। टेम्पल देखा जाए तो टेम्पल ग्वालियर में, भटेश्वर टेम्पल स्टाइल ऑफ टेम्पल, मारू गुर्जरा प्रतिहारा स्टाइल जिसको नगर शैली भी कहते हैं, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के बाद आता है पाला डायनेस्टी जिसके अंदर गोपाला जो होते हैं इसके संस्थापक होते हैं, फिर धर्मपाला आते हैं, देवपाला आते हैं, विजयपाला आते हैं, विग्रहपाला आते हैं, महीपाला आते हैं और रामपाला आते हैं। तो अब इनके बारे में पूरे हम डिटेल में चर्चा करते हैं। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर सारे सब्जेक्ट्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए डालूंगा, बस आपको क्या करना है लाइक एंड शेयर कर देना है, और कुछ सपोर्ट करना चाहते हो तो सपोर्ट कर दीजिए सब्सक्राइब करके। तो पाला डायनेस्टी के बारे में पढ़ते, तो पाला डायनेस्टी जो बुद्धिज्म फ्लोवर्स होते हैं, ये मैंने डायरेक्ट इसलिए ऐसे नोट्स बनाए छोटे छोटे ताकि आप लोगों को समझ आए और डायरेक्ट जो है स्टेटमेंट में क्वेश्चन आए तो आप कर पाए। तो इनके जो फाउंडर होते हैं गोपाला, जो कि 750 CE में देव पेट्रोनाइज बुद्धिज्म को पेट्रोनाइज करते हैं और ये फाउंडर होते हैं, तो इनका नाम जो है खालीमपुर कॉपर प्लेट जो होता है ना, खालीमपुर कॉपर प्लेट यानी कि जो बंगाल में है वहाँ पर पाया गया है उनके बारे में। और ये इशू किसने कहता था, इशू कहता है धर्मपाल ने, धर्मपाल यानी कि इनके जो बेटे होते हैं वो इशू करते हैं, तो ये कॉपर प्लेट जो धर्मपाल ने इशू किया था इनके बेटे होते हैं। इन्होंने जो है ना ओदंत मोनास्ट्री, ओदंत मोनास्ट्री जो कि बंगाल में पड़ता है इन्होंने गोपाला ने बनाया। तो धर्मपाला के बारे में पढ़ते हैं, ये काफ़ी चर्चित है धर्मपाला क्योंकि इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी वगैरह भी पेट्रोनाइज किया और बनाया है। देखिए तो धर्मपाला बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनके बारे में पढ़िए। अब देखिए इनके बारे में पता चलता है पहाड़पुर सील्स हैं उनके, वहाँ पर पता चलता है इनके बारे में, और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है इन्हीं ने बनवाया, और सोमापुरी मोनास्ट्री इन्हीं का फाउंडेशन इन्होंने, और इन्होंने क्या क्या नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया, यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी थोड़ी बहुत टूट फूट गई थी तो उसको रिवाइव इन्होंने करवाया। इन्होंने 5 जो है बिहारस बनाए, बिहारस और चैतन्य आपको पता होना चाहिए क्या होता है, चैतन्य का मतलब होता है वर्शिप प्लेस जहाँ पर मॉन्क्स वगैरह जो होते हैं बुद्धिस्ट मॉन्क्स और जैन मॉन्क पूजा करते हैं, और बिहारस का मतलब होता है कि जहाँ पर मॉन्क्स जो है रहते हैं। तो 5 इन्होंने महाबिहारस बनाया है, और कई बार ये क्वेश्चन में आया है कि इसमें से कौन सा महाबिहारा जो है धर्मपाला ने नहीं बनाया, तो देखिए इन्होंने बनाया क्या है, सोमापुरी बनाया जो कि बंगाल में, विक्रमशिला बिहार में, ओदंतपुरी जो कि बंगाल में है, जगाड़ डाला जो कि बंगाल में, नालंदा को जो है रिवाइव करवाया, यानी कि इन्होंने 1, 2, 3, 4 पुरे बनवाए, नालंदा को रिवाइव करवाया। तो क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा उन्होंने बनवाया नहीं है, रिवाइव करवाया यानी कि थोड़ा सा रिबिल्ड करवाया, तो नालंदा मोनास्ट्री है। इसके बाद आते हैं देवपाला, तो देवपाला के बारे में पढ़ते हैं, तो ये डिप्लोमेटिक रिलेशन रखते थे किसे, शैलेंद्र डायनेस्टी, शैलेंद्र डायनेस्टी किंग कौन थे, बालपुत्रा देव। ये शैलेंद्र डायनेस्टी आपको पता चलेगा जो थाईलैंड और म्यांमार का एरिया है, थाईलैंड और म्यांमार का एरिया है वहाँ पर शैलेंद्र डायनेस्टी जो है हुआ, शैलेंद्र जो डायनेस्टी थी वो म्यांमार और थाईलैंड का जो एरिया है ईस्ट साइड में म्यांमार का एरिया उधर ये रूल करते थे। तो सोचिए इन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशन इतने दूर दूर से बनाए हुए थे ताकि तभी ये जो पाला डायनेस्टी थी वो काफ़ी रूल करता था बांग्लादेश म्यांमार और इंडिया में बिहार रीजन में भी। पाला डायनेस्टी जो है रिप्लेस कर गया सेना डायनेस्टी से, यानी कि जो नेक्स्ट डायनेस्टी इन्हीं के अंदर से बनेगी वो सेना डायनेस्टी बनेगी 12th सेंचुरी में, तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे कैसे। इन्होंने जो पेट्रोनाइज किया था जगत जया देवा को, जया देवा एक कवि थे जिन्होंने गीता गोविंद लिखा है। सबसे इंपॉर्टेंट है थ्री पार्टी स्ट्रगल में राष्ट्रकूटास का, इनका योगदान क्या रहा, तो ये देखिए टॉलरेंट टू ऑल रिलीजन्स थे, यानी कि ये सारे धर्मों को एकदम मान्यता देते थे, और ये डेक्कन रीजन में थे, किस रीजन में थे, तो आंध्र प्रदेश रीजन में थे आज का। तो राष्ट्रकूट के जो फाउंडर हैं वो है दांती दुर्ग जो कि 752 से लेकर 756 तक जो है रूल करते हैं, और ये कहाँ के सामंत थे, फ्यूडेटरी थे कहाँ के, चालुक्य डायनेस्टी के, किसके अंडर में थे, तो कीर्तिवर्मन सेकेंड जो राजा थे चालुक्य डायनेस्टी के उनके अंदर सामंत हुआ करते थे। अपनी जो राजधानी बनाए राष्ट्रकूटा में दांती दुर्ग ने वो बनवाया मालखेंड जो कि एक गुलबर्ग कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कर्नाटका में पड़ता है गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। इन्होंने गुर्जर प्रतिहारा को जो है हरा कर मालवा को, जैसे कि मालवा को जो है इन्होंने अनेक्स्ट कर लिया, और बाद में इन्होंने चालुक्यास को भी हरा दिया, क्योंकि चालुक्यास को भी हरा के जो है ये राष्ट्रकूटास का डायनेस्टी जो है बनी थी, ये आपको याद रखना चाहिए। तो लैंग्वेज क्या यूज़ करते थे,
ये कन्नड़ लैंग्वेज यूज करते थे, कर्नाटका रीजन में कन्नड़ लैंग्वेज यूज होता है। देखिए तो राष्ट्रकूटास जो थे वो क्षत्रियस नहीं थे, वो सामंत थे, वो फ्यूडल थे। तो इनका क्या मानना था, देखिए पहला नंबर तो समन गद प्लेट जो है कर्नाटका के अंदर मिली है, उसके अंदर दाती दुर्ग को क्या नाम दिया गया, तो वहाँ पर दाती दुर्ग को कहा गया है कि ये दशा अवतारा है, टाइटल दिया गया उसके अंदर। इन्होंने देखिए केव इंस्क्रिप्शन में एलोरा की गुफा में, ठीक जो महाराष्ट्र में पुणे के नागपुर के पास पड़ती है एलोरा की गुफा है, वहाँ पर इन्होंने केव में अपने बारे में काफ़ी इंस्क्रिप्शन लिखवाए। क्यों लिखवाए हैं, क्योंकि दांती दुर्ग जो थे उन्होंने एलोरा केव की जो है कंस्ट्रक्शन करवाया था, ठीक ठाक करवाया था। ये यज्ञ वगैरह परफॉर्म करते थे, प्रैक्टिस करते थे, रिचुअल वगैरह प्रैक्टिस करते थे। ये एक जो है यज्ञ प्रैक्टिस करते थे, क्या नाम था उस यज्ञ का, उसका नाम था हिरण हिरण्या गर्भधाना। हिरण्या गर्भधाना इसका मतलब होता है कि अगले जन्म में मुझे क्षत्रिय पैदा करना, क्योंकि ये क्षत्रिय नहीं थे, तो ये अगले जन्म में क्षत्रिय होना चाहते थे। ही दैट विदाउट चाइल्ड दैट हिज अंकल सक्सीडेड कृष्णा सेकेंड। देखिए दांती दुर्ग का कोई बेटा नहीं था, इसलिए उनका जो चाचा था वो किंग बनता है, कृष्णन सेकेंड, कृष्णन फर्स्ट, ठीक है ना। कृष्णन फर्स्ट ने जो है एलोरा केव की जो है 16 नंबर जो कैलाश टेम्पल है वो निर्माण करवाया है। जब हम आर्ट एंड कल्चर देखेंगे तो आर्ट एंड कल्चर में हम पढ़ेंगे कि जो 1 से लेके 27 तक की गुफाएं हैं उनके अंदर कौन कौन से प्रिंटिंग मटेरियल है और किस किस ने पेट्रोनाइज किया, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। फिर उसके बाद आता है ध्रुवा, तो ध्रुवा जो है डिफीटेड नागभट एंड धर्मपाला, ठीक। तो इनका कुछ ज़्यादा कुछ योगदान नहीं रहता है। उसके बाद आते हैं, ठीक है, राष्ट्रकूटा से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो आता है अमोघा वर्षा से। ये फेमस है क्योंकि इनको कहते हैं साउथ का अशोका कहते हैं। क्यों कहते हैं साउथ का अशोका, पहले इन्होंने बहुत सारे कॉन्क्वेस्ट किए, फिर उसके बाद जो है इन्होंने धर्म अपना लिए, बौद्ध धर्म अपना लिए। सारे धर्मों को जो है ये बहुत ज़्यादा टॉलरेट करते थे, मानते थे, तो किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं होते थे। इनके बारे में पता चलता है सज्जन संजन इंस्क्रिप्शन है वहाँ पर पता चलता है शिलालेखों से। ये रूल ये 64 सालों तक जो है रूल करते हैं, सबसे ज़्यादा रूल करते हैं राष्ट्रकूटास में देखा जाए तो। इन्होंने अपने ऊपर एक किताब लिखी जिसको कहते हैं कबीर कबीर राजमार्ग, क्या कहते हैं कबीर राजमार्ग। इनके कोर्ट में फेमस पोइट पोइट थे, स्कॉलर्स थे जो कि कन्नड़ लैंग्वेज यूज़ करते थे, उनका नाम था पंपा राणा पूना। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख रहे होंगे बीपीएससी का, तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा पंपा राणा पूना ये कौन है। और ये मेरे ख्याल से 2017 में यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया कि पंपा राणा पूना कौन है। ये कन्नड़ी लैंग्वेज के पोइट है ये तीनों के तीनों, और तीनों इन्हीं के कोर्ट में थे। उसके बाद आते हैं लास्ट कृष्णा थर्ड, ही डिफीटेड टू चोला किंगडम। चोला किंग कर्नाटका के चोला किंग को डिफीट कर देते हैं एंड कंस्ट्रक्ट अ विक्ट्री पिलर एट रामेश्वरम, और रामेश्वरम में एक अपने नाम का पिलर बनाते हैं और उसके ऊपर अपने बारे में बखान लिख देते हैं। फिर ये भी जो डिफीट हो जाते हैं और इनका भी कल्याण हो जाता है। देखा जाए तो हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, तो धीरे धीरे हम सब हिस्ट्री कवर कर लेंगे। एंशियंट मैंने पूरा लगभग ख़त्म करने वाला हूँ एंशियंट, फिर उसके बाद हम मिडिवल में बना रहा हूँ मिडिवल के वीडियोज, फिर उसके बाद हम मॉडर्न स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद सबसे ख़त्म हो जाएगा तो आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट कर देंगे, राइट। तो आई होप कि दोस्तों आपको अच्छा लगे वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, और आपका दिन शुभ हो।